नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और गूगल क्रोम जिस तरह से अपडेट हुआ है, आपको बता देते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, आप जो ब्राउज करते हैं उसको ये इस तरीके से यहाँ सर्च टैब में दिखा देता है। ये लेटेस्ट आपका यहाँ पर जितने भी ये टैब खुले होते हैं, ये आपको दिख रहे होते हैं दोस्तों। अभी जो एक अच्छा अपडेट आया है, उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मैं ये इस तरीके से वेबसाइट्स को खोल कर चला रहा हूँ, और अब सडनली दोस्तों होता क्या है कि ये मान लीजिए बंद हो जाता है, आपका डिवाइस शट डाउन हो जाता है, या आप भी क्रोम को बंद करते हैं। और इस तरीके से मान लीजिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब ये बंद हो गया है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम गूगल क्रोम पर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो होगा क्या, ये वहीं से शुरू होंगे और वो दोनों टैब लोड होंगे और दोनों टैब ओपन हो जाएंगे। ऐसे में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है आपने कहाँ पर लेफ्ट किया हुआ है, कहाँ पर छोड़ा है, कहाँ पर आपका डेटा सेव है, वहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो आता है, आपको सेटिंग्स में चलना होगा, और सेटिंग्स में चलने के बाद जो है आप यहाँ पर आइए दोस्तों। ये आप जो देख पा रहे हैं ऑप्शन, यहाँ देखने के बाद देखिए इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एकदम से सडनली इसको अपडेट कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है सेटिंग्स का ऑप्शन। आप यहाँ सेटिंग्स पर आइए, यहाँ आने के बाद आपको एक स्टार्टअप ऑन स्टार्टअप का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ज़्यादातर डेस्कटॉप पर सेव होता है ओपन द न्यू टैब पेज। आपको इसको कर देना है ये कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप लेफ्ट हुए होंगे वहाँ से ये स्टार्ट होगा, और जितने भी टैब आपने ओपन कर रखे होंगे वो सभी टैब जो है यहाँ से जो है दोस्तों ओपन हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक और जोड़ा गया है जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस में ये मेमोरी सेवर आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हेन ऑन क्रोम फ्रीज़ अप मेमोरी फ्रॉम इनएक्टिव टैब्स, दिस गिव्स एक्टिव टैब्स एंड अदर एप्स मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड कीप्स क्रोम फास्टर। इसको अगर आप इनेबल करते हैं दोस्तों, तो जो टैब साथ साथ चल रहे होते हैं पर्टिकुलर उस टैब पर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, सबसे ज़्यादा मेमोरी का यूज़ कराया जाएगा, और इससे आपका क्रोम भी फास्ट हो जाएगा जिस टैब पर आप काम कर रहे हैं। तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी चीज़ है। नीचे एनर्जी सेवर का भी ऑप्शन आया है नया, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अभी आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो अपडेट हुआ है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर जिस आईडी से लॉगिन है वहाँ पर आप इसको सिंक कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से पासवर्ड को, हिस्ट्री को और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया गया है, एक्सटेंशन की लाइब्रेरी को बढ़ा दिया गया है। खास बात यह दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे फाइंड और एडिट कितना आसान है। अब आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आसानी के साथ, सेम जो आपके वर्ड में इसके शॉर्टकट होते हैं वही दे रखे हैं। और सेव एंड शेयर पर भी ऑप्शन बनाए गए हैं, आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, पेज को सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं, और आखिरी में आप देख रहे होंगे क्रिएट क्यूआर कोड। इसको भी आप पर्टिकुलर किसी चीज़ का अगर क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो उसको जो है आप यहाँ से उसका क्यूआर कोड बनाकर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि सामने वाले का काम जो है आसान हो जाए। तो दोस्तों, क्रोम दिन पर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता ही रहता है, आपने देखा होगा। और ये कुछ अच्छी नई चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आप इस वीडियो को देखकर बता सकते हैं कि आपको क्रोम के ये जो नए अपडेट आए हैं कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।